बाबा जी हाथ में बांधो। तो गाइज अभी हम निकल गए हैं घर से, घर से थोड़ी दूर आ गए हैं और इसलिए पसंद ही नहीं है इसकी सब्जी, मतलब ये वाला सब्जी, बाकी सब्जी तो पसंद है। हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, कैसे हो आप लोग, आई होप आप सारे बढ़िया होंगे। तो गाइज अभी हो रहा है सुबह के टाइम और आज के ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं सुबह सुबह से, सुबह सुबह में अभी 9 बज चुका है। तो अभी मैं उठा हूँ और कल आप लोगों को पता ही है कल हम लोग आए थे चंडीगढ़ से और पूरा दिन सफाई करने में लग गया था और थोड़ा बहुत हम थक भी गए थे इसलिए थोड़ा उठने में लेट हो गया है। सीमू भी अभी यहाँ पे उठ चुकी है, अभी अभी उठी है सीमू भी, देखो सीमू का बाल, सीमू का बाल का बुरा हाल हो जाता है ना सीमू, इसका बाल पूरा पतला है ना इसलिए पूरा खिलर जाता है ऐसे रात को। तो अभी मैं उठ चुका हूँ और उषा भी अभी उठ चुकी है, उषा तो पहले उठ गई थी, मैं अभी अभी उठा हूँ। और कल हम लोग आए थे सफाई वगैरह कर रहे थे और आज भी उषा यहाँ पे कपड़े वगैरह अलग अलग कर रही है, गर्मी और सर्दी के कपड़े। ओए ओए ये थोड़ा पतली है ना इसलिए। तो हम लोग अभी पूरा एक महीने बाद आए हैं यहाँ पे, तो एक महीने तक पूरा घर में कोई पूजा पाठ वगैरह भी नहीं हुआ है। तो अभी उठ के यहाँ पे पहले अच्छे से पूजा पाठ वगैरह कर लेता हूँ मैं अभी नहा धो के, और पूरा एक महीने तक यहाँ पे कोई पूजा पाठ कुछ सर सफाई कुछ नहीं हुआ है। कल तो हम लोग शाम को आए थे क्योंकि शाम को नहीं दोपहर को आए थे इसलिए पूजा पाठ वगैरह नहीं कर पाए। तो अभी सुबह पहले यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह कर लेता हूँ मैं और नहा धो के, उषा यहाँ पे अपना काम वगैरह कर रही है, उसके बाद नाश्ता वास्ता खा लेंगे। और नाश्ता वास्ता भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, राशन वगैरह भी सारा भराने वाला है, राशन वगैरह सब खत्म है घर पे, राशन प्याज टमाटर कुछ भी नहीं है। अभी सुबह उठ के अभी जाना पड़ेगा दुकान में राशन वासन भराने के लिए, राशन वगैरह तो बाद में भराएंगे, अभी थोड़ा सुबह के नाश्ता के लिए कुछ लेके खाना पड़ेगा, अभी कुछ भी नहीं है। और चलो अभी फटाफट नहा धो लेता हूँ, उसके बाद पूजा वूजा करूँगा। और उषा यहाँ पे अपना काम तो कर ही रही है, और ये ना तू रास्ता में क्यों कर रही है काम यार, और कहाँ जाओ, अलमारी रास्ते में है, अलमारी में घुस जा तो कपड़े इतना सारा। ओह सॉरी सॉरी, अलमारी में तो ये आएगी ही नहीं। सिंपु पापा को गाली करते हैं मेरे इससे का, बोल मेरी मम्मी पापा क्यों बोलते हैं ऐसा, बोल कौन बोलते हैं ऐसा, मम्मा अलमारी में आ जाएगी, आ जाएगी बोलो नहीं। हाँ बस दोनों बाप बेटी मिले हुए हैं, सिमू बोला हम तो ऐसे ही है फिर। कोई ना पैरा भाई कोई ना। सिमू आप यहाँ पे आके खुश होगी नहीं? नहीं है? नहीं। खुश नहीं हो? नहीं, नहीं है, झूठ बोल रही है बड़ा। हेलो गाइस बोलते आप, कितने टाइम हो गया हेलो गाइस नहीं बोला आपने। हेलो गाइस बोल दो, हेलो गाइस बोलो। अभी यहाँ पे पूजा वूजा भी हो गया है सारा कुछ, और अभी यहाँ पे अंदर अभी आशीष भी उठ चुका है, अभी अभी देखो यहाँ पे, हाँ मेरे को पैसे मिले। और अभी उषा के अंदर देखो यहाँ पे पूरा इसने घर को बुरा हाल कर दिया, यहाँ पे देखो क्या किया इसने, सारा कपड़े रे हे 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 500 रुपए मिला मेरे को यहाँ से है, बेड बॉक्स ये पर्स मैंने मेरा होगा। अच्छा पर्स में आप रखते हो, लड़की वाले पर्स में। तो गाइस आप लोग बताओ आपके कभी ऐसा हुआ कि नहीं जब कोई सर्दी गर्मी के कपड़े बेड बॉक्स में रखे और दूसरे सीजन में निकाल के जब पहनते हो उसमें जेब में से पैसे पैसे निकलता, मेरा काफी बार ऐसे हुआ है। 50 रुपए बस, 70 रुपए मैं तो 500 मजाक किया, मैं क्या बोलते हो, मम्मी को पूरे घर को इसने उड़ेल दिया, देखो सारा घर तो सफाई भी करूंगी ना। तो गाइस अभी दोपहर के टाइम हो रहा है और अभी हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे और अभी यहाँ पे बाहर देखा तो यहाँ पे इतना खतरनाक मौसम हो रखा है ना, देखो अभी पूरा अंधेरा अंधेरा हो रखा है और अभी ऐसा लग रहा है कि शाम के 6-7 बज रहे हैं ऐसा लग रहा है अभी। हाँ जी मेरे आँखों में पड़ जा रहा है पानी, आँखों में पड़ रहा है पानी। अच्छा तो हल्का हल्का है ना, बारिश भी हो रही है, बारिश की छिट्टे भी हो रही है ना, तभी सीमा बोल रही है आँखों में पड़ रहा है। सीमू कितना अंधेरा हो गया है ना, बाल उड़ रहे हैं, ठंडा ठंडा हो रहा है ना सिमू। तो हेलो
भाई आज है दूसरा दिन और कल हमने बारिश और तूफान की वजह से ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाए और आज भी दोपहर के बाद से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि सुबह सीमू बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और बीमार होने की वजह से फिर पूरा दिमाग में काम कुछ करने का मन ही नहीं करता, इसलिए सुबह बहुत बुरा हाल था सीमू का। और अभी हम लोग जा रहे हैं लखनपुर में, ये देखो इधर सीमू अभी ठीक हो गई, अभी काफ़ी फ़र्क है इसको और अभी सुबह दवाई वगैरह खिलाया था, दवाई खा के अभी फ़र्क है इसको, तो अभी यहाँ पे तैयार होके बैठी है। और अभी हाँ जी ये मुझे चाहिए, ये भाई का है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 आपके ये ठीक है। और अभी थोड़ा फर्क है और अभी हम लोग जा रहे हैं लखनपुर में, और ये ना हर हफ्ते हफ्ते में पता नहीं इसको बुखार चढ़ता रहता है, इसलिए लखनपुर में एक मंदिर है काली माता की मंदिर, वहाँ पे एक बाबा जी है, वो उसकी बुखार और टाइफाइड की फांडा करते हैं और उससे ना काफ़ी मतलब फ़र्क पड़ जाता है, जल्दी बुखार नहीं आता है, एक बारी फांडा करा लो जल्दी बुखार टाइफाइड वगैरह नहीं होता, इसलिए वो मंदिर में लेके जा रहे हैं। अभी दोपहर हो रखा है और अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं और जाते जाते वहाँ पे टाइम हो जाएगा शाम को, या तो सुबह करते हैं फांडा। सुबह बारिश हो रहा था हल्का हल्का इसलिए सुबह जा नहीं पाए और अभी हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे सीमू भी तैयार हो गई है, चश्मा लगा के दिखाओ, ओह माय गॉड वाओ सुंदर। पापा मेरा टिक्का खराब हो गया। नहीं हुआ, हेलो गाइस बोल दो, नहीं बोलोगे आजकल सीमू बोलती नहीं। और अभी हम लोग तैयार हो रहे हैं यहाँ पे, तो इधर मैडम जी तैयार हो रहे हैं, लाइट क्या हुआ दूसरा लाइट पता नहीं चलते नहीं है, ये हमारा ना एक लाइट पता नहीं क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा वो हुआ हिलता है, इसको ऐसे करना पड़ता है। मत करो भाई मत करो, ये अब जाके हो गया। चलो यार अब जो खाना पाओ जल्दी। और मैं चंडीगढ़ गया था, चंडीगढ़ जब हम लोग वहाँ पे थे यहाँ पे चूहा ने सारा कपड़े खराब कर दिया मेरा, ये देखो ये यहाँ पे देखो ये देखो, इधर एक काट दिया था चूहा ने, इधर मैंने दूसरा भी काट दिया, डिजाइन हो गया पूरा। दिमाग ओ सीमू का तो घड़ी भी है, वाओ घड़ी दिखा दो, हो अभी कितना टाइम हुआ सीमू बोला, आपको नहीं पता क्या, आपको नहीं बताएगा, ओए पापा से ऐसे बात करते हैं, सॉरी बोला बता दो एक गाइस को बता दो, ये घड़ी किसने लेके दिया सीमू को, सीमा आपको ये लगाना है, किसने लेके दिया घड़ी आपको, ये लगाना है, ये देखो मम्मा ने लगाया, ओ वाओ ये लगा दो बोला, नहीं मैं सुंदर नहीं लगती इससे, अरे इससे अच्छा लगता है, आप तो नहीं लग रहे बोलो, मैं अच्छी लग रही हूं मेरे को बोलो, आप तो नहीं लग रहे हो मम्मी, बोलो आप तो नहीं लग रहे हो मम्मी लगा के भी, हम आप तो नहीं लग रहे मम्मी, ओके थैंक यू सिमो, चलो अब सिमू कहाँ जा रहा है घूमने, घूमने कहाँ जा रहे हैं घूमने, जय श्री राम, जय श्री राम, ये ना मंदिर जब मंदिर जाना है जय श्री राम जाना है बोलती, जय श्री राम है ना, चलो चले जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊंगी, बोल रही मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊंगी। तो गाइस अभी हम निकल गए हैं घर से, घर से थोड़ी दूर आ गए हैं और इधर देखो काम चल रहा है काफ़ी टाइम से और रास्ता इतना ख़राब है ना, मिट्टू ध्यान से चलाओ, ओ हीरो ध्यान से चलाओ, देखो सड़क भी एकदम उबड़ खाबड़, खड्डे देखो कितने बड़े बड़े हैं, बुरा हाल है, अभी तो बारिश नहीं हुआ यहाँ पे, बारिश अगर बारिश हो तो फिर तो और भी बुरा हाल, इधर जूते मिल रहे फ्री के जूते, फ्री के जूते मिल रहे हैं सिमाना सिमो, हाथ में बांधो, हाथ दिखाओ बाबा का आगे करो, सिंह
इधर ले जाए इधर तो गाइस अभी शाम के टाइम हो रखा है और अभी वहाँ से वापस आके मैंने अपना काम वगैरह करके वीडियो वगैरह एडिट करके थोड़ा बहुत अभी फ्री हो गया हूँ। और यहाँ पे सिमो क्या कर रहे हो? वाह सिमो पूरा मस्त पिज्जा खा रही है, केले खा रही है, अपना पूरा डाइटिंग में आया सिमो था ना। और यहाँ पे आशी सो रखा है और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है इधर भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, देख रहे हो गाइस बिस्तर में बैठ के सब्जी काट रही है। ऐसे ऐसे अनोखे लोग सिर्फ हमारे घर में और किसी के घर में नहीं है ना। तो गाइस आप भी बताओ आपके घर में कोई ऐसा करता है क्या? सभी करते हैं, फ्री माइंड से बिस्तर में बैठ के सब्जी काटते हैं। हाँ रजाई भी उड़ा दो ऊपर से, क्यों गर्मी सर्दी में उड़ लेती हूँ गर्मी। हाँ रजाई उड़ा दे तो लेट के काट ले, लेट लेट के पूरा मैं सच्ची सो जाऊंगी। हाँ रजाई के अंदर पूरा आलू प्याज जो भी काटना है वहीं पे है ना, ठीक है सही आइडिया। बिस्तर में बैठ के अपना सब्जी काटो, किचन में बेड लगाओ है ना, ये ठीक है आज ठीक है ये करूंगी। हाँ ठीक है आज उधर ही सो जाए, यहाँ पे मेरा जगह भी कम पड़ता है तेरी वजह से। तो बच्चों आज के वीडियो में आपने क्या सीखा? A for apple। हट ऐसे नहीं, आज के वीडियो में हमने सीखा बिस्तर में बैठ के सब्जी काटो, चले तू किचन में जाके बेड लगाओ, वेरी गुड। कल हम क्या सीखेंगे? बाथरूम में जाके सब्जी खाना। हाँ बस यही बाकी था बस सुनने के लिए, जैसे शरीर वैसे दिमाग। मेरा थोड़ा पतला दिमाग है मेरा, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। और यहाँ पे बना रही है अभी उसका खाना। और क्या बना रही है? वाह आलू क्या शिमला मिर्च। और ये है उषा का फेवरेट सब्जी, और उषा काफी टाइम से बनाने की सोच रही थी ये सब्जी और हमें पसंद नहीं है, क्योंकि पसंद तो है पर ये आलू को उसका क्या बोलते हैं आलू गोभी और ये आलू शिमला मिर्च की सब्जी ये पूरा सूखा बना देती है, पूरी मतलब रोटी से खाएंगे तो गले में फंस जाएगी, इसलिए पसंद ही नहीं है इसकी सब्जी, मतलब ये वाला सब्जी, बाकी सब्जी तो पसंद है।